भामाशाह कृषि उपज मंडी में दीपावली का अवकाश लग गया। कोटा और आसपास के क्षेत्र से नए माल की आवक तो नहीं हुई, लेकिन मंडी यार्ड में रखे हुए माल का उठाव कराया गया। कोटा और आसपास के क्षेत्र से माल की आवक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से जींस बेचने आए किसान इंतजार करने को मजबूर हैं। इसको देखते हुए भी व्यापारियों द्वारा सकारात्मक पहल की गई। इसके साथ ही जिन जींसों की नीलामी नहीं हुई उनके सैंपल के आधार पर नीलामी की पहल की गई, ताकि किसान भी घर जाकर दीपावली का त्यौहार मना सके। गेट पर खड़े वाहनों का भी व्यवस्था बनाकर नीलामी के प्रयास हुए। जो माल मिला नहीं हो सकेगा, अब शनिवार को मंडी खुलने के बाद उसकी नीलामी प्रक्रिया करवाई जाएगी। हाँ भैया, जो पेंडिंग माल है वो करीबन उठता रहेगा धीरे धीरे, और आज से यहाँ पे मंडी बंद है पूर्ण तरीके से, साफ सफाई चालू होगी मंडी की। जो पेंडिंग माल है और जो रह गया है वो माल शनिवार को जब मंडी का मुहूर्त होगा उसी दिन बिका जाएगा माल। नहीं गए ऐसे अभी, यहाँ क्या चल रहा है मंडी में, तुलाई उलाई? हाँ, मंडी में तो अभी तुलाई ही तुलाई काम है अभी तो। अब छुट्टी लग गया, अब दो पांच दिन ऐसे छुट्टी में यहीं रहेंगे, क्या करेंगे? दो पांच दिन जाने आने में फिर दुकान की समस्या बढ़ जाएगा। काम यहाँ करने के लिए मंडी खुलते ही माल आएगा फिर। अभी तो क्या है, जैसे व्यापारी भाई उनके जैसे समझ में बैठेगा, अगर उनके माल चलता होगा ये धान तो वो खरीद लेंगे, नहीं तो फिर नीलामी शनिवार को मंडी चालू होगी ऑप्शन में, उस दिन बिकेगा ये। अभी कौन कौन सा माल आया हुआ है, कहाँ कहाँ से अभी माल आता है? शिवपुर, MP, हर जगह से माल आया हुआ है, धान ही है ज़्यादातर, और माल तो है नहीं, लोकल माल आता नहीं है अभी। लोकल माल सोयाबीन वायबीन थी जो बिक चुकी है यहाँ पे, गेहूँ वेहूँ, केवल धान धान की गाड़ियाँ बाहर फंसी हुई थी जाम में, इस चक्कर में कल लेट पहुँची है। तो अब नीलामी देखते हैं क्या होता है इसका।